नमस्कार साथियों, आज हम लोग अपनी क्लास सिक्स एनसीईआरटी की मैथ की प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हुए हल करेंगे। हम लोग 3.5 लेसन 3 का हम लोग अभ्यास प्रश्नावली 3.5 को हल करने वाले हैं। चलिए फिर इस वीडियो को हम कर देंगे स्टार्ट। तो पहले इस प्रश्नावली को हल करने से पहले इसमें जो चीज़ें आपको जानने लायक है वो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। उससे पहले तो मैंने आपको गुणनखंड तो बता दिया था, लेकिन बात हो रही है यहाँ अभाज्य गुणनखंड की। जब आपसे पूछे कि आप किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड बताइए तो आप क्या करोगे? तो जब भी आपसे किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड पूछ ले तो क्या करना, जिस भी संख्या का पूछे, सपोज कर ये कहता है कि 24 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो आप करना ये कि 24 का फट से लासा लेना। लासा एलसीएम जैसे भी लेते हो, ऐसे फिगर ड्रा करना। फिर सबसे पहले छोटी संख्या से काटने की कोशिश करो। देखो एक से नहीं, डायरेक्ट 2 से आओ, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है? और हमें कैसा गुणनखंड करना है? अभाज्य करना है। तो अभाज्य संख्याओं से ज्यादा काटने की कोशिश करो। तो 2 से काटो, देखो कट जाता है, कट जाएगा। फिर 2 से काटो, देखो 2 3 6। फिर 2 से काटो, यहाँ 3 आ गया। फिर किससे कट गया? 3 से कट गया, है ना? तो 24 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 × 2 × 2 × 3। ये 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। आप देख लीजिए, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो भाज्य हो, सारी की सारी संख्याएं ही अभाज्य हैं। तो हम बोलेंगे इसे क्या? अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही आपके प्रश्नावली में सारे प्रश्न हैं। चलिए फिर आइए इस प्रश्नावली को हम कर देते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। आपको स्क्रीन पे किसी भी साइड क्वेश्चन दिख रहे होंगे। चलिए फिर देखिए पहला प्रश्न की यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो क्या वह संख्या 9 से विभाजित होगी? कल मैंने आपको विभाज्यता का नियम पढ़ाया था, तो आज आपसे पूछ रहा है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो क्या वह 9 से विभाज्य होगी? जरा आप बताइए। 21 3 से विभाज्य है, लेकिन क्या 21 9 से विभाज्य होता है? नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। तो पहले का उत्तर क्या आएगा? नहीं आएगा। पहले का उत्तर क्या है? नहीं। हमें केवल सत्य बताना है, तो ये क्या है? असत्य है, ठीक है? नहीं होता है भाई। जो संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं वो 9 से विभाज्य हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो 9 से विभाज्य होती होंगी वो 3 से पक्का विभाज्य होंगी, 100% गारंटी है। क्योंकि आप 9 के गुणनखंड में पाएंगे क्या? 3 पाएंगे। तो यानी 9 से विभाज्य होने का मतलब कि 3 से भी विभाज्य होगी। जैसे आप 27 ले लीजिए और आप 45 ले लीजिए और आप 54 ले लीजिए, ये सभी संख्या 9 से तो विभाज्य है, साथ ही साथ 3 से भी विभाज्य है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे यही है कि यदि एक संख्या 9 से विभाजित है तो क्या वह 3 से विभाज्य होगी? बिल्कुल। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हमारा सत्य आएगा। क्या आएगा? सत्य। और पहले का उत्तर हमारा असत्य आएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक संख्या 18 से विभाज्य है तो क्या वह 3 और 6 से विभाज्य होगी? कोई संख्या 18 से विभाज्य है तो क्या वह 3 और 6 से विभाज्य होगी? तो हाँ होगी गाइस। होगी कैसे होगी? देखिए आप इस नियम को थोड़ा सा यहाँ समझ लो कि किससे विभाज्य थी। एक संख्या जो है वो 18 से विभाज्य थी, बताना था क्या वो 3 और 6 से विभाज्य होगी या फिर नहीं होगी। तो देखिए अगर हम इसका गुणा कर दे तो 3 × 6 = 18 आ जाए। ऐसा आप तभी संबंध लगाइएगा जब आप पाए कि दोनों संख्याओं में से एक अभाज्य हो। क्या हो? एक अभाज्य संख्या हो। तभी मान लीजिए कोई संख्या 3 से कट रही है, 6 से कट रही है और कोई कह दे क्या वह संख्या 11 से विभाज्य होगी, तो आप तभी हाँ कहना जब पाना कि उसमें से एक संख्या अभाज्य हो, तभी हाँ कहना, अन्यथा हाँ मत कहना। अगर यहीं पे लिखा होता, यहीं पे सपोज कर लिखा होता कोई संख्या 6 से विभाज्य है और वही संख्या 4 से विभाज्य है तो क्या वह संख्या 24 से विभाज्य होगी, तो आप नहीं कह देना, क्योंकि दोनों ही संख्याएं भाज्य है, उसमें से एक का अभाज्य होता तब नियम लग जाता कि इन दोनों का गुणनफल जो आएगा, जो इन दोनों से विभाज्य है वो इन दोनों के गुणनफल से भी विभाज्य होगा। तो यहाँ पे जो है उत्तर क्या है? सही है, क्योंकि यहाँ पे एक अभाज्य है। तो उत्तर क्या है हमारा? सही। तो लिखोगे तीसरे क्वेश्चन में हाँ लिख दो,
कि जो संख्या अगर कोई संख्या 18 से विभाज्य है तो वह 3 और 6 से विभाज्य होगी। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन कि यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो क्या वह 90 से विभाज्य होगी। क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो क्या वह 90 से विभाज्य होगी या फिर नहीं, हमें ये बताना है। 9 से विभाज्य है कोई संख्या और 10 से विभाज्य, हमें बताना है क्या वह संख्या 90 से विभाज्य होगी या नहीं। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल ले लीजिए, ये होगा गाइस, ये क्यों होगा, ये देख आप कहोगे ना तो इसमें कोई अभाज्य है तो आप कैसे कह रहे हैं कि होगा। देखिए अभाज्य तो इसमें कोई नहीं है, 9 भी भाज्य है 10 भी भाज्य है, लेकिन पॉइंट क्या है कि यहाँ 0 है। क्या है? 0। आप कोई भी संख्या लोगे जैसे कि जो 9 से विभाज्य और 10 से, जैसे 90 ले लो, 180 ले लो, 270 ले लो, तो हम पाएंगे कि यह संख्या 9 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी, 200 और 90 से। देखिए 10 से यह संख्या नहीं कटती, कटने का रीजन क्या है कि इसके पीछे 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो जब ऐसा आपसे पूछ ले कि यदि कोई संख्या 7 से विभाज्य है और 10 से विभाज्य है तो क्या वह संख्या 70 से विभाज्य होगी या नहीं, तो उत्तर तो वैसे भी सही हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ 8 कह दे तो आप कहोगे आप मैम तो बताई थी कि एक का अभाज्य होना जरूरी था, लेकिन बच्चों यहाँ पे 0 आ गया। तो 0 के लिए वह नियम गलत हो जाता है कि अगर हमसे पूछे कि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, तो क्या वह संख्या 18 से विभाज्य होगी, होगी क्योंकि इसमें एक संख्या अभाज्य होनी चाहिए थी, तो यहाँ तो दोनों ही भाज्य है, फिर क्यों विभाज्य हो रही है, क्योंकि यहाँ 0 आया हुआ है। और आप जानते हैं 0 सारा खेल हमेशा खराब करता है, तो इसका उत्तर भी हाँ आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कि यदि दो संख्याएं साय अभाज्य है तो क्या इनमें से कम एक संख्या अवश्य ही अभाज्य होगी। हमें बताना है कि यदि दो संख्याएं साय अभाज्य है तो क्या इनमें से एक संख्या अवश्य ही अभाज्य होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस इतना होता है कि साय अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा एक होता है। क्या होता है? एक होता है, ये जरूरी नहीं है कि उसमें एक अभाज्य संख्या आए। ठीक है, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी यह कथन सही नहीं। उसके बाद देखिए 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। कह रहा है कि 4 से जो संख्या विभाज्य होगी क्या वह 8 से जरूर विभाज्य होगी? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ये क्या है? गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि 8 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होगी। हाँ, 8 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी, क्योंकि गौर फरमाइए कि 8 के गुणन, अगर मैं 8 का गुणन खंड कर दूं तो यहाँ क्या आएगा, एक बार अगर चलिए आप 8 का गुणन खंड करिए तो 1, 2, 4 आ गया ना, 4 आ गया कि नहीं, लेकिन 4 के गुणन खंड में 8 नहीं आ रहा था, इसीलिए 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 8 से नहीं विभाज्य होती है, लेकिन 8 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 4 से विभाज्य हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा पूरा विभाजित करती है तो क्या वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। कह रहा है कि मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं, क्या है, कोई दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं को अलग अलग, यदि कोई संख्या किसी दो संख्या को अलग अलग पूरक विभाजित करती, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं, ठीक है, कोई संख्या, एक अगर मैं दो संख्या ले लूं, एक 12 ले लूं और एक क्या ले लूं, 18 ले लूं, कोई संख्या अगर हम 3 ले ले, यहाँ पे क्या ले ले, 3, 3 से इसे काट दिया, यहाँ पूरा पूरा कट गया 6 आ गया, और यहाँ 3 × 12 सॉरी, यहाँ पूरा पूरा कट के 4 आ गया, यहाँ पूरा पूरा कट के 6 आ गया। उसके बाद कह रहा था क्या उन दोनों संख्याओं की योग को भी वह संख्या विभाजित कर पाएगी, तो देखिए यहाँ आ गया 30 और देखिए फिर पूरा पूरा विभाजित हो रही है, यानी यह भी क्या हो गया, हमारा सत्य है। आपके सामने मैंने करके दिखा दिया, यह कथन भी क्या है, हमारा सत्य है। अगला क्वेश्चन कि यदि कोई संख्या दो संख्याओं को योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो क्या उन संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगी। देखिए अब इसको समझिए कि यदि कोई संख्या है किसी की योग को, ठीक है, यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं को योग को पूर्ण रूप से विभाजित करती है, जैसे कि मैं ले लेती हूँ, अगर मैं 17
और 13 ले लो, 17 और 13 को मैं जोड़ दूं तो 30 आ जाएगा। और मान लीजिए विभाजित मैं भाग दे रही हूँ 2 से, तो यहाँ देखिए पूरा पूरा कट के 15 आ गया, लेकिन क्या ये दो संख्या इन दोनों के योग को विभाजित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यानी यह कथन क्या है? असत्य है। ये जरूरी नहीं है कि विभाजित हो, ठीक है? दिखा दिया आपके समझ, कोई भी संख्या लेनी थी। अब आप कहोगे 2 कहां से ले लिया, 17 कहां से ले लिया, 13 कहां से, कोई भी संख्या लेनी थी, बस आपको सिद्ध करके दिखाना था। मैंने एक अपने मन से कोई संख्या ले सिद्ध करके दिखा दी, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको यहां 60 के लिए 2 विभिन्न गुणनखंड वृक्ष हैं, इसमें अज्ञात संख्या बतानी है। देखिए अब गुणनखंड वृक्ष कैसे बनते हैं, पहले आइए आपको बता देते हैं। जैसे 60 को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं? 60 का हमसे गुणनखंड वृक्ष कह रहा, तो 60 का पहले इस साइड ऐसे गुणनखंड करो, पहले काटोगे 2 से तो यहाँ 30 आएगा, तो यहाँ एक जगह और बगल में 60 लिखे रहो, एक जगह 2 लिख दो, दूसरी जगह 30 लिख दो, ठीक है? अब इस 30 को 2 से काटोगे तो यहाँ 15 आएगा, तो इस 30 को काटा था ना, तो एक जगह 2 लिख दो, एक जगह 15, फिर इसे 5 से काटोगे तो अब इस 15 को मैंने 3 और 5 लिख दिया। अब सभी संख्याएं देख लीजिए क्या हो गई, अभाज्य हो गई ना, यही इसका वृक्ष गुणनखंड हो जाता है, यही बस। और देखिए यहाँ पे 2 तरह का दिया है, 2 तरह से बन सकते हैं, ठीक है? बहुत लोग होते हैं कि 60 को पहले ही मैं अगर 3 से विभाजित कर दूं, तो 60 को मैं पहले ही 3 से विभाजित कर दूं और यहाँ क्या आ जाए, 20 आ जाएगा, तो 60 का एक गुणनखंड कुछ यूं भी बन सकता था, यूं, उसके बाद यहाँ काट दिया 2 10 आ गया, तो यहाँ 2 10 कर ले, और फिर इसे 2 से काट दो, यहाँ 5 आ जाए, तो फिर यहाँ 2 5 आ जाए, आप पाएंगे कि फिर वही गुणनखंड आया। देख लीजिए 3 2 2 5 2 2 3 5, फिर वही आया, तो 2 तरह के बन सकते हैं। आइए देखिए आपके क्वेश्चन ने क्या दिया है कि 60 को पहले बांटा था 6×10 में किया था, हमने तो बिल्कुल से अलग कर दिया, लेकिन आपकी बुक में क्या दिया, अब चलिए इसे मिटाते हैं। उसने 60 को सबसे पहले वृक्ष बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 60 को 2 भागों में तोड़ा, 1 को 6 लिखा, 1 को 10 लिखा। दूसरी बार उसने क्या किया कि 6 को 2 भागों में तोड़ा, 1 को 2 लिखा, 1 को क्वेश्चन मार्क लिख दिया, और फिर उसके बाद इसने यहाँ क्या किया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मार्क है कि क्या है, चलिए यहाँ शायद समथिंग, यहाँ 5 है, इस जगह पे क्वेश्चन मार्क, तो इन दोनों की हमें वैल्यू बतानी है। तो देखिए 10 छंगे क्या हो गया, 60 हो गया, तो यहाँ भी 2 ऐसी संख्याएं हो जिसका गुणा करने पे 6 होना चाहिए, तो 2 है तो यानी हमें यहाँ 3 भरना पड़ेगा, तो 2 3 6, यहाँ भी 10 है तो ऐसी संख्या भरिए कि गुणा करने पे 10 आ जाए, तो यहाँ 2 भर दीजिए, तो 5 × 2 = 10 हो गया। अगला 60 के लिए जो वृक्ष बना है वो बना है 60×30 2, उसके बाद इसे तोड़ा गया है, उसके बाद 10 क्वेश्चन मार्क में, फिर इसे तोड़ा गया है, किसमें भाई तोड़ा गया है, मान लीजिए दोनों ही क्वेश्चन मार्क, ठीक है? थोड़ा सा बहुत कम समझ में आ रहा, दोनों ही मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क है। अब भाई हमें पता है कि इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो ऊपर वाली संख्या जरूर आएगी, तो 30 × 60 हो गया, तो हमें पता है कि हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये संख्या जरूर आएगी, तो 10 हमारे पास है, यानी हम 10 में 3 का गुणा कर देंगे तो 30 आएगी, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 3 भर दीजिए। हमें पता है कि हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 10 आना चाहिए, तो यानी एक जगह 5 और एक जगह 2, 5×10 दोनों ही हमारे हल हो गए, यही हमें करना था बस खाली। ये आपको 10th में भरपूर मिलेगा, 10th की मैथ में ऐसे ही वृक्ष के गुणनखंड करने के लिए दे देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, अब आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता क्या है कि एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो मैं बता दूं कि एक भाज्य संख्या का गुणनखंड कह रहा है, तो देखिए भाज्य संख्या का गुणनखंड 1 2 4, तो इसमें कह रहा है कि एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, अगर इसमें पूछ ले बताइए कि 4 के गुणनखंडों में कौन कौन से उसके अभाज्य गुणनखंड हैं, तो आप कहोगे 2, बस
एक को नहीं सम्मिलित किया जाता है क्योंकि एक अभाज्य है ही नहीं, तो किसको नहीं सम्मिलित किया जाता है, एक को नहीं सम्मिलित किया जाता, तो एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। हमें चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है, फिर उसका गुणनखंड करके वृक्ष तैयार कर। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या चार नौ, चार नौ। भाई ऐसे वैसे गुणनखंड नहीं कर सकते, गुणनखंड करने के लिए इस साइड सबसे पहले तो आप बिल्कुल लासा सा निकाल लो, यहाँ पहले इसे तीन से काटोगे तो हर जगह तीन ही तीन आएगा, फिर तीन से काटोगे तो हर जगह एक ही एक आएगा, फिर ग्यारह से काटोगे तो कुछ यूं आएगा, अब नहीं कटने वाला है कि अब नहीं कटेगा। तो सबसे पहले आप इसे लिखोगे तीन और यहां भी तीन तीन लिखोगे, फिर इस तीन तीन को आप लिखोगे तीन, देखिए यहाँ तीन और यहाँ इतना लिखोगे, फिर इसे लिखोगे ग्यारह और एक सौ एक, ये हो गया बन गया तैयार हो गया हमारा वृक्ष, यही हमसे पूछा था बस खाली। ये वाला भी आपका सही है, वृक्ष भी आपका सही, दोनों ही कर सकते हो, ठीक है, केवल हमसे खाली गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला था, कर दिए। अगले क्वेश्चन में भी यही है कि पांच अंकों की, यहाँ पे हमें चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को बनाना था, वहां पे हमें पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या का बनाना है। तो जब भी हमसे पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोले तो एक लिख के चार जीरो, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो चलिए आइए इस साइड हम पहले इसका गुणनखंड करेंगे और इस साइड ऐसे इसका वृक्ष भी बनाते चलेंगे। तो पहले इसे मैं करूंगी डिवाइड दो से, यहाँ आएगा पांच, बचेंगे तीन जीरो, तो एक जगह दो लिखूंगी, एक जगह लिखूंगी 5000, फिर इसे दोबारा डिवाइड करूंगी 200, तो यहाँ आएगा 2500, और फिर इसे मैं ऐसे यहाँ बनाते चलूंगी, फिर मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ 2 से, और फिर यहाँ आ जाएगा कुछ यूं, फिर इसे एक बार 2 से और काट देते हैं, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, तो एक बार इसे और कर दिया। अब इसे काटते हैं 5 से, 5 1 5, 5 2 9 10, 5 25, तो अब इस 625 को देखिए इधर तोड़ रहे हैं, 625 को दो भागों में तोड़ा, यहाँ इधर आया 100 125, अब 125 को फिर 5 से डिवाइड करिए, तो यहाँ जाएगा 5 2 9 10, 5 25, इसे तोड़ेंगे तो ऐसे ही आएगा, और फिर इसे एक बार और भाग जाएगा, अब खत्म 25 आ जाएगा 5 5, ये हो गया गुणन खंड, बात खत्म, ऐसे ही आपको कर लेना, ठीक है। आपसे बुक में मिले, ये जरूरी नहीं है कि, कुछ बच्चे होंगे 5 से इसे पहले काट दिए होंगे, तो जहां मेरा 2 आया है वहां 5 आ जाएगा, लेकिन आप देख लीजिए अगर यहाँ कितनी बार 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 और 4 बार 5 आया है, तो आप चाहे जैसे करोगे ना तो 4 बार 2 4 बार 5 आ जाए, तो समझ लेना सभी का सही है, चाहे जैसे कर लो, चाहे 2 से पहले काटो चाहे 5 से पहले काट दो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आई होप आप लोग को ये अब बहुत सिंपल लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में कोई संबंध हो तो लिख दीजिए। कह रहा है कि 1729 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो चलिए कर देते हैं, 1729 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे 7 से डिवाइड करिए, क्या करिए 7 से, क्योंकि बच्चों देखो ये कटेगा नहीं, इसके केवल गुणनखंड निकल के आएंगे 7 13 29 19, यही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, चलिए काटते हैं, 7 2 14 आ जाएगा, 3 बचेगा, है ना, फिर 7 4 28, 4 बचेगा, 7 7 49, 13 से काटते हैं, 13 1 9 13, 11 बचेगा, फिर 7 13 9 117, और फिर 19 से कटा, तो देख लीजिए 17 29 में गुणनखंड क्या आ गए, 7 × 13 × 6, इसमें जो संबंध हो रहा है 7 6 13 और 6 9 13, तो हम संबंध लिख सकते हैं इसमें कि क्रमागत, दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का अंतर 6 निकल के आ रहा, या इसका संबंध बन रहा है कि देख लीजिए क्रमागत संख्या 6 6 6 का क्या मार रही है, अंतर मार रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होता है, तो इस कथन को कुछ उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि अगर आप 3 क्रमागत संख्या को लीजिए, चाहे जहां से लीजिए, बस ध्यान रहे क्रमागत यानी एक सीक्वेंस एक सीरीज में लीजिए, तो जैसे हम 2 3 4 ले लेते हैं, 2 3 4 देख लो क्रमागत है ना,
ना, दो तीन चार गुणा कर देते हैं। कह रहा है कि तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल फल, देखिए दो तीन या छह और छह चौके, तीन दो ना छह, छह छह चौके चौबीस, ठीक है। कह रहा है कि तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल छह से सदैव विभाजित होता है, देखिए कटता है, छह चौके चौबीस, हाँ भाई हो रहा है। तो इसे हमें एक उदाहरण द्वारा समझाना था, लीजिए समझा दिया। और कोई ले लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं उसे सात आठ नौ, उसके बाद इसका गुणा कर लेते हैं, तो सात आठ क्या आ जाएगा, छप्पन गुणे नौ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नौ कर देते हैं। अगर हम यहाँ गुणे नौ कर दे तो नौ छक चौवन हासिल पांच, नौ पचे पैंतालीस, पैंतालीस पांच क्या हो जाएगा पचास, छह से भाग दीजिए तो आठ छ अड़तालीस, दो बचेगा मतलब छह अठे अड़तालीस, दो बचेगा और छह चौके चौबीस, देखिए पूरा पूरा कट गया, यानी यह कथन क्या हो गया सत्य। हमने दो एग्जाम्पल दे के आपको समझा दिए कि तीन क्रमागत गुणनफल का योग छह से विभाजित होता है, तीन क्रमागत, चाहे जहां से ले लो, क्रमागत का मतलब लगातार, तो मैंने लगातार आप चाहे जहां से उठा लो, चाहे जितनी बड़ी लो, ज्यादा बड़ा ले लो तो गुणा करने में मुश्किल हो जाएगी। चलो अगला प्रश्न देखो कि दो क्रमागत विषम संख्या का योग चार से विभाजित होता है, कुछ उदाहरण देके समझाइए। कह रहा है कि आप दो क्रमागत विषम संख्या का योग अगर चार से, जैसे कि तीन के बाद विषम संख्या पांच आती है, तो क्या यह चार से विभाज्य है, हाँ पहला उदाहरण ले लीजिए आप। फिर ले लेते हैं पांच के बाद विषम संख्या आती है सात, सात पांच बारह, देखिए ये भी चार से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद 19 के बाद विषम संख्या 21 आती है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, नौ एक दस चालीस आ जाएगी, जो कि चार से क्या है विभाज्य है। और अगर मैं अगली संख्या 97 के बाद डायरेक्ट 99 ले लूं, तो देखिए यहाँ इसमें जोड़ेंगे तो छह हासिल एक नौ नौ अठारह एक उन्नीस, चार से भाग देंगे तो चार चौक सोलह और चार नवाई छत्तीस, फिर कट गया। तो ये मैंने उदाहरण दे के, चार उदाहरण दे के आपको आपके समक्ष समझा दिया कि दो क्रमागत, चाहे जहां से लो लो, बस क्रमागत ले लेना, दो क्रमागत संख्याओं का योग चार से विभाजित होता है। चला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है जिसमें अभाज्य गुणनखंड किया गया है। तो देख लीजिए पहला जो ऑप्शन उसमें चार आया है, यानी पहले में अभाज्य गुणनखंड नहीं किया गया है क्योंकि चार एक अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा देख लीजिए अभाज्य गुणनखंड किया गया और तीसरे में भी किया गया क्योंकि दूसरे और तीसरे में कोई भी भाज्य संख्या नहीं आई है, यानी वो अभाज्य गुणनखंड है। चौथे में एक भाज्य संख्या नौ आ गई। चलिए उसके बाद देखिए दसवां नंबर क्वेश्चन कि बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि संख्या 25 110 संख्या 45 से विभाज्य है कि नहीं, बताना। देखिए हमें थोड़ा सा संकेत भी दे रखा, हमें बताना है कि यह संख्या 45 से विभाज्य है कि नहीं। 45 से विभाज्यता का नियम दिया है कि चेक कर लो, अगर 5 और 9 से विभाज्य होगी तो यानी 45 से भी विभाज्य होगी। तो भाई 5 से विभाज्य है, लास्ट में 0 दिख रहा है, 9 से विभाज्य है कि नहीं ये चेक करना। तो देखो 5 2 7 1 8 1 9, 9 से भी यह विभाज्य है, यानी यह संख्या 45 से भी विभाज्य है, बात खत्म। कल मैंने विभाज्यता का नियम को पढ़ा दिया था, अगर ये बच्चों को सवाल लेसन में, तो कल का वीडियो जरूर वॉच करें, उसमें मैंने सारी विभाज्यता के नियम आपको बताए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि संख्या 18, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है कि अगर मान लीजिए कोई संख्या 18 है और अगर वह दो और तीन दोनों से विभाज्य है तो यह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है ना। उसके बाद कह रहा है कि इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6, कोई भी संख्या है वह 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, तो क्या वह संख्या 24 से विभाज्य होगी। देखिए पहली थी संख्या 18 थी, यह 2 और 3 से विभाज्य थी इसलिए 6 से भी हो रही थी। अब हमें संख्या नहीं पता है लेकिन ये पता है कि वह 4 और 6 से विभाज्य है, तो क्या वह 24 से विभाज्य होगी, नहीं होगी। क्या होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई यहाँ एक अभाज्य संख्या का होना जरूरी था जो कि नहीं है, इसलिए विभाज्य नहीं होगी। यहाँ देख लीजिए एक का होना जरूरी था, दोनों ही अभाज्य, ये तो होना तय था। चलिए आखिरी क्वेश्चन कि मैं चार भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्याओं क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं। एक संख्या कहती है
कि मैं चार भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड कि सबसे छोटी संख्या हूं, तो शुरू से चलिए, शुरू से मतलब गिनती कहाँ शुरू, तो एक से अभाज्य संख्या लेना शुरू करिए, तो सबसे छोटी दो, फिर तीन, फिर पांच, फिर सात, इन्हीं का गुणनफल वह संख्या थी। तो देखिए, पांच दूना दस, सात त्रिके इक्कीस, यानी 210 वह संख्या थी जो अपने बारे में बता रही थी कि मैं सबसे छोटी शुरू की चार भिन्न 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 देखिए अलग 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 है ना, मैं चार भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, वो भी सबसे छोटी। तो भाई छोटा लोगे, आप ज्यादा ले लोगे तो संख्या बड़ी आ जाएगी, तो छोटी यानी हमें शुरू की संख्याएं ही लेनी पड़ेंगी। तो हो गई या प्रश्नावली भी हमारी सॉल्व। तो आई होप आपको क्लास हमारी समझ आई हो, अगर क्लास समझ आई हो, हमारा बोलने का तरीका अच्छा लगा हो, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ देखने पढ़ने मौज मस्ती वगैरह 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 चीज़ें करने के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, इस प्रश्नावली को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।